जिनका जन्म 11 अप्रैल सन 1827 में होता है माली समाज में महाराष्ट्र की धरती पर, जिनके पिता का नाम था गोविंद राव और माता का नाम था चिमनाबाई। जो बचपन में एक मराठी पाठशाला में पढ़ने को जाया करते थे और बचपन में जब वो मराठी पाठशाला में पढ़ने को जाते थे तो उस दौरान उनकी मित्रता हो गई एक ब्राह्मण बालक से। कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद ज्योतिबा राव फूले जी ने पढ़ाई छोड़ दी। उनके माता पिता जो कि फूलों की खेती का काम किया करते थे तो ज्योतिबा राव फूले अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाने लगे। एक दिन क्या होता है माताओं बहनों, बचपन में जब वो पढ़ने जाते थे मराठी पाठशाला में तो वहां पर जो ब्राह्मण बालक से उनकी मित्रता हुई थी, दोस्ती हुई थी, उस बालक का विवाह होता है और जब उस बालक का विवाह होता है तो वो निमंत्रण लेकर के आता है ज्योतिबा राव फूले जी के घर। कैसे? ज्योतिबा राव फूले जी बैठे हुए हैं अपने द्वार पर, कि एक कतना की बात, अरे मित्र के साथ वो करती चढ़ाई, मतलब जिस मित्र से बचपन की पढ़ाई के दौरान उनकी मित्रता हुई थी वो मित्र एक दिन उनके घर आता है। कैसे भैया? कि एक दिन की बात और मित्र के साथ वो करती पढ़ाई, मन में अति खुशी अपार रे रे हंसी हंसी, बहुत बढ़िया है। आज बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो। अरे भैया आज कुछ बात ही ऐसी है, स्कूल के समय में हम दोनों साथ में रहते थे, हाँ, क्लास में पढ़ते थे, हाँ, एक ही साथ बैठते थे, हाँ भैया, वो दिन बहुत याद आते हैं भाई साहब। सही कह रहे हैं भैया। आज बहुत दिन बाद दिखाई दिए, बताइए दोस्त कैसे आना हुआ? अरे भैया मेरी शादी होने वाली है। अरे वाह, बधाई हो, आपकी शादी होने वाली है? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और भैया हम शादी का निमंत्रण लेके आए हैं आपके पास। तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्त की शादी ना हो, दोस्त की शादी हो दोस्त ना आए, ऐसा कैसे हो सकता? और भैया शादी हमारी कल ही है। कल शादी है? हाँ। अरे तो आप किसी के द्वारा पता भिजवा देते, हम चले आते, आपको आने क्या आवश्यकता थी इतने? अरे नहीं भैया, आप हमारे बचपन के मित्र हैं, अब अचानक आज आपकी याद आ गई तो मैंने सोचा खुद हम ही चले जाते निमंत्रण लेके। बहुत बढ़िया दोस्त, आप आए, इसी बहाने मुलाकात भी हो गई। हाँ। और
मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आप हमारे दरवाजे आए। और बताइए क्या चल रहा है भैया? हाँ। बस हम ये चाहते हैं कि आप हमारी शादी में शामिल हो और हमारी बारात में आपको हमारे साथ ही चलना है। दोस्त, हम आपकी बारात में चलेंगे और जरूर चलेंगे। और दोस्त, हाँ, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, आपकी शादी है और हम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? ज्योतिबा राव भोले हम जरूर आए। बहुत खुश हो गए, बोले भैया ठीक है, आप चलो, आप अपने घर जाओ, बहुत सारी तैयारी करना होगा। हाँ, आप चलिए और हम आपकी शादी में जरूर आएंगे। इधर ज्योतिबा राव फूले जी बहुत खुश, सोचते हैं अरे हमारे दोस्त की शादी है, हमें जाना है और कल ही वही शादी है, तो अपना शादी की तैयारियां करने लगे। और इधर क्या होता है माताओं बहनों, भाई शादी का दिन आ गया, अब सभी बारात ले जाने की तैयारी कर रहे हैं कि शादी को दिन आई गए हो मेरे भैया। अरे शादी को दिन आई गए हो मेरे भैया, शब भैया की शादी है तो देखो कत्ता खुश। अच्छा, लड़कवा के पप्पा आप ही हो? और का, हम है पप्पा है। अच्छा, और ये कौन? लड़कवा के फूफा? हाँ, ये फूफा है के लड़कवा के फूफा। बुआ का नाम लाए लड़कवा के? हाँ, इधर आओ। अच्छा, बड़ा होशियार है फूफा, सोच रहे बुआ जी को ले जाएंगे, ज्यादा खर्चा होगा। और का, अकेले अकेले भागे चले आए, सब कंजूस होते ये लड़कबे के फूफा, मक्खी चूस है ये। हाँ। फूफा ना, ये फूके वाले हैं। हाँ, इनका फू, अब हम तो कहा बना ही का फायदा। अच्छा ठीक है, सब तैयारी करते हैं जल्दी जल्दी। फूफक तो कुछ और ना तैयारी करे, तैयारी हम कई करे परी। ठीक है, तो फूफा आइस करो ना, लड़कबे के फूफा थोड़ा तो झूम ही देव बस। ठीक ठीक ठीक। हाँ, आज कैसे बारात ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? लड़कों फूफा तैयारी में आए कि एक ही काम करना है इनको सिर्फ। अरे कजरा इसे लड़कों की फूफा से लगवाओ। किस समय ही बराती सज गए और भैले तैयार हो अंगनवा में सजे लाए। समही
अच्छा भैया बारात की सारी तैयारी हो गई, चलना भी चाहिए हम लोगों को। और का है? आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो दोस्त। आज जब बारात की सारी तैयारियां हो गई बंधुओं, तो वो लड़का कहने लगा कि देखो पिताजी, हाँ। अभी हमारे एक दोस्त नहीं आए। कौन? अरे एक हमारे मित्र हैं, बचपन के मित्र। हाँ हाँ। वो अभी तक नहीं आए हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मित्र आ जाएं फिर चलते हैं। हाँ, आज मेरे भैया क्या होता है, इधर बारात की सारी तैयारियां हो रही हैं कि तब तक पिताजी, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ये मेरे बचपन के मित्र हैं और मैं इनको अपनी बारात में लेकर जरूर जाऊंगा। अरे बेटा, ये सूत्र हम लोगों की बारात में चलेगा, हम लोगों के साथ में बराबरी में बैठ के खाना खाएगा, हम लोगों के साथ में इसका सम्मान होगा। पिताजी कुछ भी हो, ये मेरे बचपन के मित्र, हम इनको जरूर ले जाएंगे। बेटा देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ मान जाओ। नहीं पिताजी, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। तो ठीक है, जाओ बारात में लेके जाओ, आओ चलते हैं, आओ। बिल्कुल बात ही नहीं मानता लड़का। फूफा तो बहुत ही गुस्सा है। ना लाए कहीं का। मन ही मन गाली दे रहे, देखो मतलब यहाँ सब बिगड़ा जा रहा है और तुम हंस रहे। अरे तो एक बात बताओ, हाँ? तुम हम पर गुस्सा काहे दिखा रहे हो? अरे वो शूद्र शादी में आया है तो लड़कवा तो तुम्हारा ही है, जो सिखाए वही तो कर रहा है। अरे अरे बिल्कुल बात ही नहीं मान रहा, नालायक कहीं का। अरे नालायक तो लड़का तो तुम्हारा ही है, जैसो बनाए वैसे ही बना। बिल्कुल, इसने नाक कटवा के रख दी मेरी। नाक कटवाने वाली का बात, अब तो नाक कटे गई का? मतलब तुम्हें खुशी हो रही है? अब खुशी नहीं का दुख है। तुम्हारे जाऊ मार, अब तुम चिकन गिन्नी ऐसे नाच जाई होने, चुपचाप बैठे रहो। हमारा मूड उसे बहुत खराब है। देखो हाँ, अब लड़कवा तुम्हारी बेइज्जती कराए दी, मतलब एक सूत्र को उसने अपनी शादी में बुला लिया। तुम लड़कवे के फूफा हो, फूफा बन के रहो, हमारा जो मूड पलटा ठीक तो देखा नहीं हो कितने बड़े बड़े डंडा टिके हैं। देखो भैया, हम पर गुस्सा न दिखाओ, गुस्सा अपने लड़कवा पर दिखाओ, हम पर काहे दिखा रहे हो गुस्सा? तुम बता दे फूफा वैसे मंगा ना है। देखो देखो तो ही
थोड़ा सा बिगड़ा जा रहा है और तुमको खुशी पड़ी है का? जौन सिखाओ तो नहीं तो करे तो एरी तो हुआ इसी की तैसी रिश्ता का बाप हारम तुम का? रुको रुको, देखो अगर अपने लड़कवा को समझा पा रहे हो तो समझाओ, और अगर कहीं ये सूत्र को लेकर के बारात में पहुंच गया तो बारात भी लौट आएगी। अरे तुम भी समझाओ चल के, हम तो उतने खन से समझा रहे हैं, आओ। भैया मान जाओ। का मान जाए? इस रुद्र के यहाँ लेके न जाओ बरात मिया। देखो हम इनको जरूर ले जाएंगे, तुम फूफा भले न जाओ बरात। तो हम ना जीपा भैया, ले जाओ तुम बरात, हम बिल्कुल ना जीपा। ठीक अब तुम न जाओ, हम चले जाएंगे। और का समझा रहे, मनते ना है तो हम क्या करी। आज लड़के का पिता कहने लगा, देखो बेटा अभी मैं अच्छे से समझा रहा हूं, ये ज्योतिबा जो चौथे वर्ष से आता है, शूद्र वर्ष से आता है, और एक शूद्र को अपनी बारात में लेकर के जाओगे, अरे हमारी कितनी बेइज्जती होगी तुम्हें पता है। आज लड़के का पिता क्रोधित होकर के ज्योतिबा राव फुले से बोला है कि सुनो ज्योतिबा, अरे मेरा बेटा ना समझे लेकिन तुम तो कुछ समझदार लग रहे, तुमको आना ही नहीं चाहिए था हम लोगों की शादी में शामिल होने के लिए। कि तू शूद्र है तेरी कैसे, और हिम्मत इतनी बनी आई है, नहीं पिताजी, मैं अपने इन दोस्त को भी अपनी बारात में लेकर के चलूंगा। ठीक है लेके जा, चलो अब हम समझा समझा के हार चुके हैं, आओ ले जा सूत्र को तो शादी में जा। लड़के का पिता कहने लगा ठीक है कोई बारात में नहीं जाएगा। ज्योतिबा राव फूले जी ने जैसे ही देखा है तो आज बोल पड़े हैं, अपने मित्र से कहने लगे हैं क्या देखो दोस्त, वजह से आपके परिवार के लोग आपसे रुष्ट हो जाएं, या आपके विवाह में ए बच्चों वजह से कोई कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा आराम से बैठो। अगर मेरी वजह से आपके विवाह में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो मित्र हाँ हमारे ना जाने से आपका विवाह नहीं रोके, इसलिए आप बारात में जाइए, हम नहीं जाएंगे तो इससे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मित्र हमारी वजह से आपके परिवार में कोई दिक्कत ना आए, या हमारी वजह से आपके विवाह में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो, मैं यही चाहता हूं। मित्र आप अपने पिताजी को बुलाइए और आप जाइए। ज्योतिबा राव फुले जी हाथ जोड़ करके बोले कि देखो मित्र, अगर अकेला मैं तुम्हारी बारात में नहीं जाता हूं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी,
लेकिन अगर तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे रिश्तेदार नहीं जाएंगे तो फिर तुम अकेले बारात लेकर के जाओ। मैं बाद में आकर के तुमसे मिल लूंगा, कोई बात नहीं मित्र, आप जाओ अपने पिताजी का कहना मान लो। आज बारात चली गई मेरे भैया, अपमान हुआ है उस भरी बारात में, तो कैसे मन ही मन विचार करने लगे, दुखी हो गए, आंखों में आंसू भर आए। कि मन में भय उदास है, सोच के
जैसे ही माता सावित्री बाई फुले ने देखा है तो बोल पड़ी कि अरे स्वामी, आप तो अपने मित्र की बारात में गए थे, आप इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए? आप तो कह रहे थे कि मैं अपने मित्र की बारात में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। कहो स्वामी, ऐसी कौन सी बात है? आप तो बहुत हंसी खुशी से गए थे अपने मित्र के शादी में, और आपके आंसू से आंसू टपक रहे हैं, क्या बात है स्वामी? कहो स्वामी। ये बात सही है? हाँ स्वामी। कि मैं अपने दोस्त की शादी में बहुत ही हंसी खुशी से गया। हाँ स्वामी। मैं बहुत ही प्रसन्न था, बहुत ही खुश था। जी स्वामी। क्योंकि मुझे नहीं पता था। हाँ कि मेरे साथ क्या होने वाला। क्या हुआ स्वामी, आप इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या कारण है स्वामी? आज ज्योतिबा राव फुले जी आंखों में आंसू लिए हुए रो करके बोले, सुनो सावित्री, सावित्री सावित्री। हाँ स्वामी। जिस बारात में मैं हंसी खुशी से शामिल होने के लिए गया था। जी स्वामी। हंसी खुशी से गया था। हाँ स्वामी। वहां पर मेरा अपमान किया गया। जी स्वामी। मुझे शूद्र कहकर उस शादी की महफिल से मुझे अपमानित करके निकाला गया। कोई बात नहीं है स्वामी, ये तो अपने समाज पर आए दिन होता ही रहता है स्वामी, क्या करें, ऐसा तो हम लोगों पर आए दिन होता रहता है स्वामी। लेकिन सावित्री। कहो स्वामी। हम लोग। हाँ स्वामी। माली जाति के हैं। जी स्वामी। मुझे नहीं पता था। हाँ स्वामी। कि ये मेरे साथ भी होगा। अरे स्वामी, बातों को भूल जाइए स्वामी, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है स्वामी, क्योंकि आए दिन सावित्री। हाँ स्वामी। आज जो ये सब हो रहा है। हाँ स्वामी। इसका मेन कारण एक है, वो कारण है अशिक्षा। हाँ स्वामी। हमारे समाज में जो अशिक्षा व्याप्त है। हाँ स्वामी। इस अशिक्षा को हमें शिक्षा में बदलना है। लेकिन स्वामी, इतनी समाज की गिरी दशा चल रही है स्वामी। सावित्री। कहो स्वामी। अगर तुम हमारा साथ दोगी। हाँ स्वामी। तो इस समाज में व्याप्त जो अशिक्षा है। हाँ स्वामी। इसको हम शिक्षित कर सकते हैं। अरे स्वामी कहो, मैं कैसे आपका साथ दूंगी स्वामी? बस सावित्री। हाँ स्वामी। तुम्हें जो हमारे समाज में। हाँ स्वामी। जो हमारे घरों की बेटियां हैं। हाँ। बहनें हैं। हाँ। उनको घर घर जा करके उनको शिक्षित करना है, उनको पढ़ाना है, और हम
जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनको जा जा करके पढ़ाएंगे। वो तो बात सही है स्वामी आपकी, लेकिन आप तो आपको तो माता सावित्री कहने लगी, अरे स्वामी मैं आपका साथ दूंगी कैसे, जब मैं खुद पढ़ी नहीं हूं तो मैं दूसरों को कैसे पढ़ाऊंगी। सोचिए स्वामी सावित्री। हाँ स्वामी, तुमको हम पढ़ाएंगे जी स्वामी, तुमको हम इतना जरूर पढ़ाएंगे हाँ, जिससे तुम समाज में जाकर के घर की बहन बेटियों को पढ़ा सको, उन्हें शिक्षित कर सको। ठीक है स्वामी, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा हाँ, तुम्हें अपने समाज की बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है स्वामी, अब जैसा कहोगे वैसा करूंगी स्वामी। बस तुमसे हमारी यही विनती है कि तुम हमारा पूरा साथ दो, जिससे समाज में जो ये व्यवहार अशिक्षा और ये जो ऊंच नीच छुआ छूत जो भरा हुआ है, इसको हम शिक्षा के बलबूते हम इसको निकाल सके, उखाड़ फेंक सके। ठीक है स्वामी। माता सावित्री बाई फूले कहने लगी, ठीक है मैं आपका साथ जरूर दूं। उसी दिन से मेरे भाई ज्योतिबा राव फुले जी तैयारी करने लगे कि हमें सबसे पहले अपने समाज की बहन और बेटियों को पढ़ाना है। बहनों बड़ा ध्यान से सुनना, महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत कहां से हुई और कैसे। जब ज्योतिबा राव फुले जी को बारात से अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया, जब उनको बारात में नहीं ले जाया गया, उनको एक ठोकर सी लगी, उनको अपमान महसूस हुआ, वहीं से उन्होंने सोच लिया कि मेरे समाज की यह दुर्दशा इसीलिए हो रही है क्योंकि मेरा समाज शिक्षित नहीं है। जिस दिन मेरा समाज शिक्षित हो जाएगा, ये अपने सम्मान की लड़ाई खुद लड़ लेगा, इसलिए मुझे अपने समाज को पढ़ाना होगा और सबसे पहले मुझे अपने समाज की बहन और बेटियों को पढ़ाना होगा, क्योंकि जब हमारी बहन बेटियां पढ़ जाएंगी तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप शिक्षित होती चली जाएगी। आज ज्योतिबा राव फुले जी ने क्या किया, अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। माताओं बहनों, कुछ समय में माता सावित्री बाई फूले पढ़ना लिखना सीख गई, और माता सावित्री बाई फूले जब पढ़ना लिखना सीख गई तो वो घर घर जाती हैं और लोगों से कहती हैं कि अपनी बिटिया को पढ़ाओ। लेकिन जैसे वो लोगों से कहती है कि अपनी बिटिया को पढ़ाओ तो माताओं बहनों लोग डर जाते हैं। क्यों? उस समय ये अफवाह फैली हुई थी कि नारी को पढ़ाना पाप है। उस समय अफवाह फैली हुई थी कि जो अपनी बहन बेटी को पढ़ाएगा उसकी बहन बेटी मर जाएगी। अब माता सावित्री फूले जिससे भी कहती कि अपनी बहन को बिटिया को पढ़ाओ तो उठ के वहां से चला जाता है, नाराज हो जाता है, हाथ जोड़ लेता है, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं हो रहा है। धीरे धीरे ये बात जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे उनको पता चली और वो एकदम से बौखला गए कि अरे ये ज्योतिबा और सावित्री मिलकर के तो बिल्कुल धर्म की व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। धर्म कहता है नारी पढ़ नहीं सकती और ये तो नारी को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आज वो लोग मिलकर के ज्योतिबा राव फूले के घर पहुंच गए। उनके पिता गोविंद राव को धमकी दी कि अपने बेटा और बहू को रोक लो, अगर अपने बेटा और बहू को नहीं रोका तो हम तुम्हें दंड देंगे और गांव के बाहर निकाल देंगे। अब अपने बेटे की सलामती कौन नहीं चाहता। ज्योतिबा राव फूले के पिताजी घबरा गए कि जब आज मुझे धमकी मिली है तो कल कहीं मेरे बेटा के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए अपने बेटा को समझाने लगे कैसे। आज गोविंद राव जी ने अपने बेटा और बहू को पास बुलाया कि लियो बेटा को पास बुलाया। तिरंगा
बेटा ज्योतिबा कहिए बाबूजी। अरे कैसे बुलाया आपने? देखो बेटा ज्योतिबा आजकल हम क्या सुन रहे हैं? सुना है कि तुम और सावित्री मिलकर के महिलाओं को पढ़ाने लिखाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ आपने ठीक सुना। अरे बेटा लेकिन ये गलत है। धर्म कहता है स्त्री शूद्र नाधीयता, स्त्री और शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है बेटा, इसलिए चक्कर में मत पड़ो। ये जो तुम्हारे मन में विचार आया है महिलाओं को पढ़ाने का, इसे निकाल के फेंक दो। ठीक है, नारी पढ़ नहीं सकती, मानो बेटा हमारी बात को। बाबूजी हाँ, शास्त्र कहते हैं कि शूद्रो स्त्री शूद्रो नारी विद्या नाधीयता, यही कारण है कि आज हमारे समाज में स्त्रियां और हमारा समाज इसीलिए आज हर जगह परेशान किया जाता है। अरे बेटा देखो हमारी बात मान जाओ, क्योंकि उच्च वर्ण के लोग मुझे धमकी देते हैं, कहते हैं अपने बेटा ज्योतिबा को समझा लो नहीं तो कोई अनहोनी हो जाएगी, फिर मत कहना। इसलिए बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ, मान जाओ बेटा। बाबूजी हाँ, अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा रास्ते में रोड़े आते हैं, अगर उन रोड़ों को हम देखकर डर जाएंगे बाबूजी, तो आप बताइए हम अपने अभियान को कैसे आगे चला पाएंगे। अरे नहीं बेटा, अभियान और समाज सेवा ये सब छोड़ो बेटा, आराम से घर में रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है इसीलिए आपको बेटा मैं समझा रहा हूँ। बाबूजी हाँ हाँ, आप परेशान ना हो, लेकिन ये जो मैंने फैसला किया है ये मेरा आखिरी फैसला है। देखो बेटा आखिरी फैसला नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनो, ये समाज सेवा छोड़ो, पढ़ाना लिखाना छोड़ो, आराम से घर में रहो। और बेटा तुम्हें एक चीज को चुनना होगा, या तो तुम समाज सेवा छोड़ दो और या तो फिर ये घर छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें घर में रहना है तो समाज सेवा छोड़नी पड़ेगी, और अगर समाज सेवा करनी तो ये घर छोड़ना पड़ेगा। बोलो क्या चाहोगे तुम? बाबूजी हाँ, मैं ये घर और आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे बहू सावित्री तुम्हारा क्या विचार है बोलो। हे पिताजी हाँ, अब जैसा मेरे स्वामी कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। ठीक है, खूब करो समाज। ए लो हमारे घर से निकल जाओ, मैं ना से तुम्हारा पिता और ना तुम हमारे बेटे, चलो यहाँ से निकल जाओ जहाँ जाना। देखिए मेरी माताओं बहनों, ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्री बाई फूले को घर से निकाल दिया गया। किस लिए? अरे सिर्फ इसीलिए कि वो महिलाओं को पढ़ाने की शुरुआत कर रहे थे, वो नारी को बहन बेटी को पढ़ाने की कोशिश में लगे थे। आज उनको उनके पिताजी ने घर से निकाल दिया कि जाओ समाज सेवा करो, आज से ना तुम मेरे बेटे और ना मैं तुम्हारा पिता। सावित्री हाँ सुन, आज मैंने अपने पिताजी को और अपने घर को क्यों छोड़ा पता है? हाँ, क्योंकि आज अगर मैं अपने पिताजी को और घर को नहीं छोड़ूंगा तो मैं तो अपने घर में आराम से रह लूंगा। हाँ, लेकिन एक घर के चक्कर में मेरा पूरा समाज का घर बर्बाद हो जाएगा। तो सावित्री हाँ,
ये ध्यान रखिए, ये मेरा प्रथम परीक्षा है, ये हमारे संकल्प का स्पष्ट पड़ाव है। इस पड़ाव को हमें बहुत ही सहनशीलता के साथ में पार करना है और अपने अभियान को आगे बढ़ाना है। ठीक है स्वामी, आप जैसा कहते मैं वैसा ही करूं। ठीक है, और अब आपका काम यही है कि समाज में जो घर है, जिन घरों में बहन बेटियां बच्चियां जो पढ़ने वाली हैं, उनको सबको पढ़ाओ, घर जा जा के पढ़ाओ। और घर जब जाओगे तो शायद कुछ ऐसे परिवार ऐसे भी होंगे जो बच्चों को नहीं पढ़ाने के लिए कहेंगे, क्योंकि समाज में ऐसी बातें ऐसी अफवाहें फैलाई गई हैं कि अगर बहन बेटियां पढ़ लेंगी तो वो मर जाएंगी। तो सावित्री, हाँ, तुमको यही जागरूक करना है कि शिक्षा ही सब कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर शिक्षा नहीं है तो हम पशु के समान हैं। ठीक है सर। आज ज्योतिबा राव फूले माता सावित्री बाई फूले आगे बढ़ गए। माताओं बहनों, कहीं पर किसी ने उनको ठहरने की जगह नहीं दी। एक मुस्लिम समाज के भाई थे जिनका नाम था उस्मान शेख, जिनकी बहन थी फातिमा शेख, जिन्होंने अपने घर में ज्योतिबा राव फूले को रहने की जगह दी और कहा कि ज्योतिबा, मेरे घर में रह करके तुम ये कार्य कर सकते हो, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हो। जिस समय पर कोई अपनी बहन बेटी को पढ़ाने को तैयार नहीं हो रहा था, उस समय पर मुस्लिम समाज की फातिमा शेख, जिन्होंने माता सावित्री बाई फूले का साथ दिया, माता सावित्री बाई फूले के साथ में पढ़ना लिखना सीखा और घर घर जाकर के बहन बेटियों को पढ़ाने में उनकी मदद करी। माताओं बहनों, माता सावित्री बाई फूले जब गांव गांव जाती हैं, घर घर जाती हैं, तो बड़ी मुश्किल पे पहले कुछ लोग तैयार हुए, बोले ठीक है हम अपनी बहन बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन चोरी छुपके मेरी बहन बेटी को पढ़ाने तुमको मेरे ही घर में आना पड़ेगा, क्योंकि उस समय लोग डरते थे पढ़ाने से, अपनी बहन बेटी को लोग डरते थे। तो कुछ लोग तैयार हुए, बोले ऐ सावित्री, हम अपनी बहन को बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन इसको पढ़ाने तुमको मेरे ही घर में आना पड़ेगा। तो माता सावित्री बाई फूले तैयार हो जाती, कहती ठीक है मैं आपके घर में आकर आपकी बहन बेटी को पढ़ाऊंगी। और कैसे माता सावित्री बाई फूले गलियों में निकलती है बहनों, शिक्षा की ज्योति जलाई कलम हाथ में उठाई। बोलो माता सावित्री बाई फूले अमर रहे। बोलो बहनों, सभी लोग बोलो, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ आप लोग और तालियों के साथ में सभी को बोलना है। पढ़ाने लगी तो जो ऊंची जाति के लोग थे वो घबराने लगे कि अब यह सावित्री घर घर जाकर सबको पढ़ा देगी, इसलिए इसको रोकना होगा। तो सोचा कि इसका अपमान करो,
जब इसका अपमान करेंगे तो ये घर से बाहर निकलना छोड़ देगी, घर से बाहर निकलना बंद कर देगी। तो उन लोगों ने आपस में मिलकर योजना बनाई, और कैसी योजना बनाई, जब माता सावित्री गलियों में निकलती है तो वो ऊंची जाति के लोग, उच्च वर्ण के लोग इधर उधर छुप के बैठ जाते हैं और गोबर कीचड़ फेंक फेंक करके मारने का काम करते हैं। गोबर कीचड़ क्यों मारते हैं? इसलिए ताकि ये सावित्री घर से बाहर निकलना बंद कर दे। कैसे? कि जब माँ गलियों में जाती है, वो जब माँ गलियों में जाती है, बीपरों के झुंड आ जाते जाता है, कीचड़ फेंक दिया जाता है, उनके पूरे कपड़े गोबर से कीचड़ से गंदे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है और फिर भी वो बहन बेटियों को पढ़ाने का काम करती रहती है। लोगों को लगता है कि इसके ऊपर गोबर कीचड़ आज इतना फेंका गया, अब ये कल घर से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन माता सावित्री फूले क्या करती है बहनों, दूसरे दिन वो जब घर से निकलती है तो एक हाथ में झोला होता है जिसमें किताब होती है, और एक हाथ में झोला होता है जिसमें दूसरी साड़ी रखी होती है। कैसे? मैया सावित्री जब चलती है, जिस घर में बैठ करके पढ़ाना होता था, जब उस घर में पहुंचती है तो जो साड़ी वो पहन के जाती थी वो गोबर से कीचड़ से गंदी हो जाती थी, उसको निकाल के रख देती थी, और जो साड़ी वो झोला में लेके जाती थी उसको पहन लेती थी और फिर बहन बेटियों को पढ़ाती थी। पढ़ाने के बाद जब वो फिर लौटती थी तो जो साड़ी अच्छी होती थी उसे निकाल के रख लेती थी और गोबर की गंदी साड़ी फिर से पहन लेती थी, क्योंकि उनको पता होता था कि रास्ते में फिर उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाएगा। और गोबर कीचड़ बहनों सिर्फ इसीलिए फेंका जा रहा है ताकि ये घर से बाहर निकलना बंद कर दे, ये लड़कियों को, बेटियों को, महिलाओं को पढ़ाना बंद कर दे। लेकिन धन्य है माता सावित्री बाई फूले। मैया
जब घर वापस आती है तो किस प्रकार से ज्योतिबा राव फुले जी से अर्थात अपने पति से रो रो करके सारा दुखड़ा गाती है। स्वामी आज फिर जब मैं गलियों में होकर के निकली तो फिर लोगों ने मेरे ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका, मेरे कपड़े गोबर और कीचड़ से लथपथ हो गए। अरे स्वामी कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ऐसा चलेगा, कब तक मुझे अपने ऊपर गोबर और कीचड़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। स्वामी सावित्री, हाँ स्वामी, ये सही है स्वामी कि तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है। हाँ स्वामी, और जी स्वामी, समाज में तुम घर घर में जा जा करके बहन बेटियों को पढ़ाने का काम करती हो। हाँ स्वामी, एक नेक कार्य करती हो, एक नेक समाज सेवा कर रही हो, ये हजम नहीं हो रहा उच्च वर्णों। जी स्वामी, लेकिन सावित्री कहो स्वामी, जब भी हम नेक कार्य करते हैं स्वामी, जब भी हम समाज में कोई अच्छा कार्य करते हैं तो ये प्रकृति का नियम है कहो स्वामी कि हमारे बीच में दीवार बनाने वाले लोग जरूर खड़े होते हैं। जी स्वामी, सावित्री हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कहिए स्वामी, अगर समाज सेवा करना है, समाज के लिए कुछ करना है, हाँ स्वामी, तो हमें बिल्कुल समाज के प्रति समर्पित होना होगा। सही कह रहे हो स्वामी, क्योंकि समाज सेवा करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। हाँ स्वामी, उसके चेहरे पर कभी भी मुस्कान नहीं होती है। हाँ, क्योंकि लोग उसको हंसने नहीं देते हैं। हाँ स्वामी सही कह रहे हो, लोग उसको मुस्कुराने नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहा है। जी स्वामी, सावित्री हाँ स्वामी, तुम इन यातनाओं से, तुम इन प्रताड़नाओं से बिल्कुल भी मत घबराओ। ठीक है स्वामी, लेकिन हाँ स्वामी, एक दिन वो समय आएगा सावित्री, एक दिन वो समय जरूर आएगा कि हमारे समाज की बहन बेटियां जब शिक्षित हो जाएंगी, हाँ स्वामी, तो तुमको देवी की तरह पूजा जाएगा। स्वामी, इतिहास में तुम्हारा स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा सावित्री। हाँ स्वामी, आज समाज में अगर तुम काम कर रही हो, जी स्वामी, तो एक पहली तुम औरत हो जो समाज में एक हिंदू धर्म के इन शास्त्रों के विरुद्ध तुम काम कर रही हो। जी स्वामी, जो शास्त्रों में दिया गया है स्त्री सूत्रो विद्या नाधियताम, स्त्रियों और सूत्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर स्त्रियां और सूत्र पढ़ लिख लेते हैं तो वो बर्बाद हो जाएगा। जी स्वामी, अकाल पड़ जाएगा। हाँ, सूखा पड़ जाएगा। जी स्वामी, बाढ़ आ जाएगी। हाँ, तरह तरह की बातों को अफवाहें उड़ाई गई हैं जिससे हमारे समाज की बहन बेटियां, हमारा समाज पढ़ लिख करके शिक्षित होकर के आगे ना बढ़ पाए। जी स्वामी,
सावित्री। हाँ स्वामी कहिए। आज तुम पहली औरत हो, आज तुम पहली औरत हो। हाँ स्वामी। जो इन शास्त्रों के विरुद्ध तुम काम कर रही हो और एक ऐसा कार्य कर रही हो जिससे एक दिन यह तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है सर। बोलो माता सावित्री बाई फूले अमर रहे। और ज्योतिबा राव फुले जी ने हौसला बढ़ाया कि सावित्री, हाँ स्वामी, आज अगर तुम ये अपमान झेल लोगी, हाँ, आज अगर तुम ये कष्टों का सामना कर लोगी तो अरे हमारे समाज की लाखों करोड़ों बहन बेटियां आगे चलकर इज्जत और सम्मान की जिंदगी पा जाएंगी। अगर ये हमारी माताएं बहनें पढ़ लिख जाएंगी, हाँ, शिक्षित हो जाएंगी, शिक्षा के महत्व को समझ जाएंगी, तो आने वाले समय में ये अपने सम्मान की लड़ाई खुद लड़ लेंगी। इसलिए सावित्री घबराओ नहीं, तुम संघर्ष करती रहो। चलो सावित्री, चलो हमें आगे की भी तैयारियां करनी। बोलो ज्योतिबा राव फुले की दया हो। बोलो माता सावित्री बाई फुले की दया हो। बहनों ये संघर्ष रहा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्री बाई फुले का। अगर माता सावित्री बाई फुले ने इतने कष्टों का सामना करके ये पढ़ाई लिखाई की शुरुआत न करी होती तो आज भी इस देश की महिलाएं शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाती। बहनों इस देश में सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाली अगर कोई महिला हुई तो माता सावित्री बाई फुले थी। सन 1848 में महाराष्ट्र के पूना शहर में ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्री बाई फुले के द्वारा बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया था। इस देश की प्रथम पढ़ी लिखी महिला, इस देश की प्रथम शिक्षिका महिला अगर कोई हुई है तो माता सावित्री बाई फुले है। इसलिए बहनों हमारी ज्ञान की देवी कौन, अगर पूछा जाए ज्ञान की देवी कौन तो क्या बताएंगे आप लोग, बोलो बताइए, थोड़ा तेज बोलिए आप लोग। हाँ इधर से भी आवाज आनी चाहिए। हमारी विद्या की देवी कौन, माता सावित्री बाई फूले। इस देश की प्रथम शिक्षिका महिला कौन, बोलिए, माता सावित्री बाई फूले। तो बहनों माता सावित्री बाई फूले को भुलाना नहीं है।